रसायन शास्त्र विभाग, रसायन शास्त्र विभाग शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा आयोजित रसायन शास्त्र विषय की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर श्री नवीन साहू सर का स्वागत करती हूँ। इन्होंने अपना यूजी डिग्री शासकीय महाविद्यालय सरायपाली से प्राप्त की एवं एमएससी की डिग्री शासकीय ई राघवेंद्र राव शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय से अध्ययन किया। शुरू से ही ये मेधावी छात्र रहे हैं और इन्होंने नेट और सेट क्वालिफाई किया। वर्तमान में वे लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा चयनित होकर शासकीय महाविद्यालय पिरदा में सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र के पद पर कार्यरत हैं। नवीन सर आज हमें एरोमेटिसिटी इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। मैं नवीन सर को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मैम। मैं गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राय साइंस कॉलेज बिलासपुर का ही स्टूडेंट रहा हूँ, छात्र रहा हूँ, और मुझे एरोमेटिसिटी इस विषय पर एक व्याख्यान के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आज मैं एरोमेटिसिटी पर एक लेक्चर जो है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। एरोमेटिसिटी ये जो वर्ड है, दरअसल एरोमेटिसिटी एक लैटिन वर्ड एरोमा से डिराइव किया गया। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एरोमेटिसिटी होता क्या है और एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में सुन लेते हैं और मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है ये दरअसल एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए इस पर बेस्ड है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एरोमेटिसिटी के बारे में मैं बता रहा था कि ये जो एरोमेटिसिटी वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, एरोमा से, जिसका मीनिंग होता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि एक विशिष्ट गंध रखने वाले कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले कहा गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टडी की गई बेंजीन और बेंजीन लाइक कंपाउंड में स्टडी की गई, तो बेंजीन जो है एक प्रमुख एरोमेटिक कंपाउंड, एक मेन एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में स्टडी किया जाता है और वेल नोन है। तो हम एक दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन और बेंजीन के समान स्ट्रक्चर रखने वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड में जो भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है उनको हम एरोमेटिसिटी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वे होते हैं जो कुछ एक विशिष्ट कंडीशंस को फॉलो करते हैं, उन कंडीशन के बारे में हम आगे जो है स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड हम किसे कह सकते हैं और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एरोमेटिसिटी के लिए इस फर्स्ट स्लाइड में जो है कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग फोर कंडीशन, यानी कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो चार कंडीशंस को जो है फॉलो करने चाहिए। अगर वो इन चार कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक कहलाएगा। पहला कंडीशन तो यह है कि कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हम कह रहे हैं कि कंपाउंड जो है प्लैनर स्ट्रक्चर रखने चाहिए, रेजोनेंस बॉन्ड होने चाहिए उसमें। थर्ड कंडीशन जो है उसमें किसी भी प्रकार का sp3 कार्बन नहीं पाया जाना चाहिए। अगर sp3 कार्बन पाया जा रहा है तो जो रेजोनेटिंग कार्बन है, रेजोनेटिंग एटम है, उसको उसकी प्लैनरिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चौथा जो हमारा इसमें कंडीशन है वो सेटिस्फाई हकल रूल, हकल रूल को जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। तो
इन चारों मेन कंडीशन है, इन चारों कंडीशन को हम डिटेल से एक एक करके हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स के जो हैं एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशन हम कैसे साइक्लिक कंपाउंड को हम अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्टेड रहकर रिंग फॉर्म करते हैं, उनको हम साइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल में लिए हुए हैं, सबसे फर्स्ट में देखिए साइक्लोप्रोपेंटेन है, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है ये, इसमें सारे के सारे तीनों कार्बन जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये तीनों कार्बन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस टाइप से कनेक्टेड होकर दो एक जो है रिंग फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर हम रख रहे हैं इधर साइक्लोब्यूटेन, देख सकते हैं आप साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में चार कार्बन हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कनेक्ट होकर रिंग फॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर रख रहे हैं, फोर मेंबर साइक्लिक रिंग है। इसी टाइप से यहाँ पे आगे साइक्लोप्रोपेन, फाइव मेंबर साइक्लिक रिंग है। इस तरीके से आगे देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन जो कि सिक्स मेंबर साइक्लिक रिंग है, छह कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिंग फॉर्म में है। आगे साइक्लोहेप्टेन है जो कि जिसमें सेवन कार्बन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिंग फॉर्म में है। आगे है आठ कार्बन, एट कार्बन कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है और वो एक एट मेंबर्ड रिंग, साइक्लिक रिंग जो है फॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप से सबसे पहला कंडीशन ये है एरोमेटिसिटी का कि कंपाउंड क्या हो, साइक्लिक हो। साइक्लिक होगा ये मस्ट कंडीशन है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी चेन कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो चेन कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि पहला ही कंडीशन को जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि साइक्लिक होने ही चाहिए। फिर उसके बाद आगे दूसरा कंडीशन हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कंडीशन हम ये कह रहे हैं कि प्लैनर होने चाहिए कंपाउंड जो हमारा होगा, वो प्लैनर होने चाहिए। इसमें ये कह रहे हैं कि पहला कंडीशन तो फॉलो होगा ही होगा कि कंपाउंड जो है मस्ट कनेक्टेड टू फॉर्म ए रिंग, वो रिंग में होने ही चाहिए। दूसरा कंडीशन कह रहे हैं कि प्लैनर होने चाहिए। तो प्लैनर यहाँ पे देखिए हो सकता है कौन सा नहीं सकता, किस तरीके से। सबसे पहला कंपाउंड देखेंगे ये साइक्लोहेक्सेन है, सबसे फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे जो लिखा गया है ये, इसको हम कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन का अगर आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहीं ये जो है चेयर कन्फॉर्मेशन में पाया जाता है, इस टाइप से ये चेयर कन्फॉर्मेशन में पाया जाता है। और अगर ये चेयर कन्फॉर्मेशन में पाया जा रहा है तो सीधी सी बात है कुछ इसके कार्बन जो है अपसाइड में होंगे, कुछ कार्बन जो है डाउन साइड में होंगे, इस टाइप से ये जो है एक नॉन प्लैनर कंपाउंड होगा, इसमें प्लैनरिटी नहीं है। हम देख रहे हैं कंपाउंड यहाँ पे इसी साइक्लोहेक्सेन में एक जगह पे हम डबल बॉन्ड रख दिए हैं, ये देखेंगे इस जगह पे हम डबल बॉन्ड रख दिए हैं किसी एक जगह पे, तो ये हमारा हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन कंपाउंड का अगर देखेंगे तो ये हाफ शेयर कन्फर्मेशन में पाया जाता है, और हाफ शेयर कन्फर्मेशन जो है एक नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर हो सकता है। आप हाफ शेयर स्ट्रक्चर को इधर हम देख सकते हैं, कुछ कार्बन जो है अपसाइड है, कुछ कार्बन जो है डाउन साइड है, तो इसमें भी एक प्लेन में सारे कार्बन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला है थर्ड, हम एग्जांपल लिए हुए हैं यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड का, साइक्लोहेक्साडाइन का। साइक्लोहेक्साडाइन हम देखेंगे तो इसमें सारे के सारे जो कार्बन है जो रिंग स्केलेटन को बनाते हैं वो कार्बन यहाँ पे प्लेन में है, पर यहाँ पे जो sp3 कार्बन पे कुछ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में राइट साइड में, वो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे नॉन प्लेनर है। कुछ हाइड्रोजन अपसाइड है और कुछ हाइड्रोजन जो है डाउन साइड है, और कुछ हाइड्रोजन जो है रिंग जिस प्लेन पर है उसी प्लेन पे मौजूद है। खास करके यहाँ पे जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हाइड्रोजन वो सारे के सारे हाइड्रोजन प्लेन में ही है, और sp3 कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो अपसाइड है या डाउन साइड है। इस वजह से ये कंपाउंड भी पूरा का पूरा नॉन प्लैनर हो जाएगा और ये एरोमेटिक कंडीशन के सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा।
अब हम थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। थर्ड स्ट्रक्चर ये कंपाउंड है, हम कह रहे हैं बेंजीन। थर्ड एग्जाम फोर्थ एग्जाम्पल जो है हमारा, सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल बेंजीन का है। बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ जितने भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है वो तो सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में पाए जा रहे हैं, और उनसे जुड़े जो हाइड्रोजन है वो भी सेम प्लेन में है। तो ये कंपाउंड फुली प्लैनर कंपाउंड है। और हमारा सेकंड कंडीशन यही कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो साइक्लिक है वो दूसरा कंडीशन की वो प्लैनर होने चाहिए, फुली प्लैनर होने चाहिए। अब आगे थर्ड कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड कंडीशन हम ये कहते हैं कि कंपाउंड में किसी भी जगह पे sp3 कार्बन नहीं होने चाहिए, या फिर ये कहा जाए कि साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड अगर है तो उसमें ऐसा कोई कार्बन नहीं होना चाहिए जहां पे इसका कॉन्जुगेशन ब्लॉक हो जाए। जैसे सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन यहाँ पे कंपाउंड लिए हुए हैं। साइक्लोपेंटाडाइन कंपाउंड में हम देख सकते हैं यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है रिंग में दोनों तरफ, और एक कार्बन यहाँ पे ऐसा है जिसको हम मेथिलीन ग्रुप भी कह सकते हैं। ये मेथिलीन ग्रुप का कार्बन ऐसा है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडेशन होने की वजह से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है आगे की ओर जो है मूव नहीं कर सकता, यानी कि रेजोनेंस नहीं कर सकता। तो ऐसे कंपाउंड में होता क्या है, sp3 कार्बन की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स का फुल कंजुकेशन नहीं हो पाता है, फुली कंजुकेशन नहीं हो पाता है, और ये कंपाउंड है पार्सली कंजुगेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ एरोमेटिसिटी ऐसे कंपाउंड में हम नहीं शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई कर भी दिए हैं, इसको पॉइंट आउट कर दिए हैं कि ये कंपाउंड जो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये प्लैनर भी है कंपाउंड, जब पर यहाँ पे हाइड्रोजन अप डाउन है तो ये नॉन प्लैनर, इसमें आप रख सकते हैं इसको नॉन प्लैनर कंडीशन में भी इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। पर एरोमेटिसिटी को ब्लॉक करने का सबसे मेन यहाँ पे रीजन जो है वो यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि कंजुगेशन को ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे नॉट पी ऑर्बिटल फॉर ईच मेंबर ऑफ द रिंग, सभी रिंग के लिए यहाँ पे कोई भी जो है पी ऑर्बिटल नहीं है, इसको हम देख सकते हैं। इन दो स्ट्रक्चर को आप देखते रहेंगे, एक ये स्ट्रक्चर हुआ और इधर इस पॉइंट को, यहाँ पे नॉट p ऑर्बिटल फॉर ईच मेंबर ऑफ द रिंग, रिंग के सभी मेंबर के पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। इस चार के पास पे है एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन और ये चार, इन चारों कार्बन के पास p ऑर्बिटल है पर ये पांचवें कार्बन के पास p ऑर्बिटल नहीं है, अनहाइब्रिड पीरियड ऑर्बिटल नहीं है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सके। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नॉट प्लैनर रिंग, यहाँ पे रिंग जो है प्लैनर भी, एग्जैक्ट प्लैनर रिंग भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जो sp3 कार्बन से जुड़े हुए हैं वो अप साइड और डाउन साइड है, तो यहाँ पे प्लैनेटी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। अगला ये कह रहे हैं कि ये फोर्थ कंडीशन को बता रहा है कि नॉट क्लोज 4n+2 पाई बॉन्ड रिंग, यानी कि ये हकल डुल को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से ये जो है एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कौन सा वाला, ऊपर वाला। ठीक है, इस तरीके दूसरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं। एक यहाँ पे हम स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, एक हम दूसरा स्ट्रक्चर रखे हुए हैं देखेंगे, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन में हो क्या रहा है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दो डबल बॉन्ड हमारे पास रिंग में प्रेजेंट है और एक जो है यहाँ पे एनायन है, कार्बन आयन। जनरली हम कार्बन आयन को डिस्क्राइब करते हैं तो ये बोलते हैं कि कोई कार्बन आयन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, पर यहाँ पे क्योंकि कार्बन आयन जो है डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए यहाँ का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा।
ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि कार्बन आयन अगर आइसोलेटेड हो, कोई भी कार्बन आयन अगर आइसोलेटेड है तो वहाँ पे वो जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और कोई भी कार्बन आयन जो है अगर कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में अगर हुआ तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज है तो सीधी सी बात है यहाँ का कार्बन जो है रिंग में बाकी जो कार्बन है उसके साथ प्लेन में होगा, उसी प्लेन में होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि ये कौन कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन साइक्लिक, ये साइक्लिक आपको दिख रहा है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा हम कह रहे हैं कि पी ऑर्बिटल फॉर ईच मेंबर ऑफ रिंग, यानी कि यहाँ पे रिंग के सभी कार्बन के पास पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और यहाँ पे है ही है, ये डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उनपे तो पी जेड ऑर्बिटल ही है, उसके साथ ये इस पर भी पी ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे पांच कार्बन पे पांच जो है पी जेड ऑर्बिटल मौजूद है, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन हम कह रहे हैं कि प्लेनर रिंग होने चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा कार्बन आयन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये प्लेन में ही आएगा, रिंग के प्लेन में ही आएगा। चौथा कंडीशन हम अभी देखे नहीं है, चौथा कंडीशन में हम जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि 4n+2 पाई बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो अभी के लिए आप ये मान के रखिए कि इसमें 4n+2 पाई बॉन्डिंग है, या फिर पाई बॉन्डिंग जो है प्रेजेंट है। इसको मैं कैसे प्रेजेंट है, इसको आगे अगले स्लाइड्स में, अगले पेज वगैरह में इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे के सारे चारों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन कंडीशन को देख चुके हैं कि साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी कि sp3 कार्बन एटम कहीं रिंग में बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथे कंडीशन को, चौथा कंडीशन क्या कहता है एरोमेटिसिटी का, फिर एरोमेटिक कंपाउंड का। चौथा कंडीशन होता है इसका हकल रूल, जिसको हम हकल रूल के नाम से भी जानते हैं। हकल रूल ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो ऊपर के तीन रूल को फॉलो कर रहा है, तीन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है और कंप्लीट कंजुगेशन में है, और उसके अलावा उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और इसी को हम हकर रूल के नाम से जानते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि कोई भी कंपाउंड जो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन में है, और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को रख रहा है, तो वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा, इसी को हम हकर रूल के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बेंजीन का, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है उसी को हम उठाते हैं, बेंजीन को, ठीक है। बेंजीन को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा ये प्लेनर है, क्योंकि 6 के 6 कार्बन जो रिंग में है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो सीधी सी बात है ये कंपाउंड जो है प्लेन में ही होगा, एक सारे के सारे एटम्स हैं एक प्लेन में होंगे। तो पहला कंडीशन साइक्लिक होगा, दूसरा कंडीशन ये प्लेनर है, तीसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे कंजुगेशन में होने चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वो अल्टरनेट होने चाहिए, और यहाँ पे सारे के सारे एक दूसरे के साथ रेजोनेंस करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जितने भी डबल बॉन्ड है ये आगे बढ़ते जाएंगे और ये आगे जो है रेजोनेंस करते जाएंगे, तो इस तरीके से ये जो है रेजोनेंस करते जाएगा, तो यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन भी है ये हम कह सकते हैं। तो ऊपर के तीन कंडीशन फॉलो हो गए, साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेटेड। अब चौथा कंडीशन में ये देखिए कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, क्या वो 4n+2 फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट करने चलें, तो एक डबल बॉन्ड को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यानी कि एक जो पाई बॉन्ड दिख रहा है उसको हम एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 × 2 = कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है।
थ्री इंटू टू सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है फोर एन प्लस टू को फॉलो भी करेंगे। कैसे? जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ फोर एन प्लस टू, और मैं यहाँ ये कहता हूँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी है एन इज इक्वल टू क्या हो, तो एन इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू कुछ भी इंटीजर हो सकता है, वो जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री फाइव, कुछ भी वो इंटीजर हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो हमेशा इंटीजर होगा। तो यहाँ हम सिक्स इलेक्ट्रॉन को एक रूल में बिठा रहे हैं फोर एन प्लस टू रूल में, कि वो सिक्स इलेक्ट्रॉन फोर एन टू को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या रखूँ कि यहाँ पे जो है सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाए, किसी भी इंटीजर को हम रख सकते हैं। तो एन इज इक्वल टू आप वन रख के देखते हैं, वन रख के देखिए, अगर आप वन रखेंगे एन इज इक्वल टू, तो फोर इंटू वन प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्स, ठीक है, यानी कि सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है फोर एन प्लस टू को रूल को फॉलो कर रहा है इफ कि हम एन इज इक्वल टू वन रखें, एन के जगह पे इंटीजर एक रहे। तो कहने का मतलब ये है कि बेंजीन जो है चारों के चारों रूल को कंडीशन को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और फोर एन प्लस टू रूल को भी फॉलो कर रहा है यदि एन इज इक्वल टू हम वन रखेंगे तो, क्योंकि आप एन इज इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए आप कोई भी एन का इंटीजर रख के हम चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कंपाउंड अब क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी टाइप से बाकी कंपाउंड को भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये कंपाउंड जो है क्या होंगे, या फिर अगर एरोमेटिक है तो कैसे एरोमेटिक होंगे। देखिए सबसे पहला यहाँ पे है आपका पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन रिंग आप देख रहे हैं ध्यान से, इसको देखेंगे तो एक बेंजीन टाइप से ही रिंग है, बस इसमें अंतर यहाँ पे ये है कि बेंजीन में एक सी एच फ्रेगमेंट को यहाँ पे एक नाइट्रोजन के से रिप्लेस किया गया है, ठीक है, नाइट्रोजन से इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ भी रिंग के अंदर अगर देखेंगे तो तीन डबल बॉन्ड है जो कि अल्टरनेट है, यहाँ पे थ्री डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, थ्री डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, इसका मतलब ये है कि कंजुगेशन में भी, और सारे के सारे यहाँ पे एटम्स हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं रिंग के सारे एटम, इसका मतलब ये है कि ये प्लेनर भी है और साइक्लिक को दिख ही रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कंजुगेशन में। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी साइकिल के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि वो लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी वो नाइट्रोजन के पास फिक्स रहेगा, वो कभी भी रिंग की ओर जो है माइग्रेट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी वो हकल इलेक्ट्रॉन के रूप में उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको नॉन हकल इलेक्ट्रॉन के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है, यानी जब हम फोर एन प्लस टू इस कैलकुलेट करेंगे तो इस छोड़ के कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हकल रूल हम थोड़ा सा ये करते हैं हम करने की ये अगर फॉलो है कि नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टू पाई इलेक्ट्रॉन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन हो गए सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो सीरीज ये फोर एन प्लस टू रूल कर रहा है, फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा वन, ठीक है, इस तरीके से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। दूसरा देखिए पिरिमिडीन, पिरिमिडीन भी एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक बेंजीनाइट कंपाउंड, इसमें सिक्स मेंबर जो रिंग है उसमें दो सेट फ्रेगमेंट को बेंजीन से, इसके बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है तो बेंजीन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ अंतर होगा नहीं, पर इलेक्ट्रॉन है जिसका हकल इलेक्ट्रॉन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं इसको हम हाफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं या एरोमेटिसिटी में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हकल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट है उसको हम नॉन हकल इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और उसको कभी भी फोर एन प्लस टू हकल रूल में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन जो कि फोर एन प्लस टू रूल को फॉलो करता है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे देखते हैं पायरोल, ठीक है,
पायरोल कंपाउंड आप देख रहे हैं एक फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। अगर फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो इसको हम एक नॉन बेंजेनाइड कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि कंपाउंड किसी तरीके से भी बेंज है तो इसको हम नॉन बेंजेनाइड कंपाउंड कह देते हैं। यहाँ पे इस रिंग को आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है रिंग के अंदर ही, और दो डबल बॉन्ड है मतलब इसका मतलब चार पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे हम, और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये क्लियर है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कभी भी हकल इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट नहीं हुई, यहाँ इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हकल इलेक्ट्रॉन के रूप में कैलकुलेट किए जाएंगे। कारण ये है कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है रेजोनेंस करेंगे, ठीक है, रेजोनेंस करेंगे तो उसको हम हकल इलेक्ट्रॉन के रूप में कैलकुलेट करेंगे। पर यहाँ के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस जो है किसी भी साइड नहीं कर सकते कि यहाँ नाइट्रोजन के ऑलरेडी तीन वैलेंस कंप्लीट है। कंपाउंड बनाता है तो वो प्लेनर होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बनाता है ये कहते हैं, जब यहाँ पर हो ही नहीं सकता नॉन के रूप में हम काम करते हैं, जबकि यहाँ के पास जो है नाइट्रोजन लोन पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो डिलोकलाइज हो सकता है डबल बॉन्ड की ओर, ठीक है, और वो माइग्रेट हो सकता है पूरे रिंग में। यहाँ पे कल पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के, टू पाई यहाँ डबल बॉन्ड के और टू इस लोन पर इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पे हो गए टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हकर रूल को फॉलो कर रहा है और ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी टाइप से थायफिन में देखते हैं तो दो डबल बॉन्ड इधर, दो डबल बॉन्ड सॉरी टू पाई बॉन्ड सॉरी यहाँ पे टू पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे टू पाई लोन पेयर, मतलब उसको टू पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कैलकुलेट करना है अगर वो बॉन्ड के साथ में हो तब, ठीक है। यहाँ भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम कह देंगे एरोमेटिक कंपाउंड। फ्यूरेन में सेम कंडीशन है पायरोल थायफिन जैसे, तो उसको भी आप समझ सकते हैं। अगला देखते हैं क्या ये भी होंगे, तो अगर कंपाउंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखे तो वो भी एरोमेटिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 4n प्लस 2 रूल को फॉलो करेगा, 4n प्लस इस रूल की n इज टू रख देता हूँ। इंटीजर तो आप अपने चॉइस से कुछ भी रख सकते हैं, तो वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स उतने 10 वैल्यू आने चाहिए, तो इंटीजर में यहाँ पे अगर 2 रख दिया तो ये फॉर्मूला 4 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा जो कि 10 आ रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में 10 आ रहा है अगर n इंटू 2 रखेंगे तो, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन रखने वाला सिस्टम जो है सबको फॉलो करेगा और ये एरोमेटिक होगा। तो देखिए यहाँ पे ये बेंजोनाइड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो हम एक कैटेगरी रखते हैं बेंजोनाइड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, इसका नाम है क्विनोलिन, ठीक है। तो दो रिंग जो आपस में फ्यूज्ड हैं और बेंजीन लाइक हम कह सकते हैं बेंजीन। यहाँ पे आप देखेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड प्लेनर रहा है और इसमें पंजन भी है, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड ठीक है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन है। उसके बाद यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें तो टू पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स ये, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स ये, टू इलेक्ट्रॉन्स और ये टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि 4n प्लस 2 रूल को फॉलो करेंगे और बॉन्ड जो है एरोमेटिक को ध्यान रखेंगे। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, कभी भी इस लो इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया हूँ, ये लो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लो, ठीक है, तो इनको कभी भी हकल इलेक्ट्रॉन के रूप में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे हम
सेकंड एग्जाम में टेलिन जस्ट लाइक बेंजीन है, बस यहाँ पे ये है कि दो बेंजीन को आपस में फ्यूज किया गया है, इस टाइप से ये दिख रहा है, एक ये बेंजीन, दो बेंजीन को आपस में फ्यूज कर दिए हैं, ये नेप्थेलिन स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें आप पाई बॉन्ड करेंगे तो 1, 2, 4, ये 5 पाई बॉन्ड है, और 5 पाई बॉन्ड है इसका मतलब ये है कि 5 पाई बॉन्ड इंटू 2 यानी कि ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तो ये 4n प्लस 2 रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। इंडोल, इंडोल का आप देखेंगे तो ये नॉन बेंजोनाइट बाईसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा, नॉन बेंजोनाइट दिख रहा है तो बेंजीन ऐसा भी नहीं है, वो अलग रिंग है, रखते हैं, ठीक है। इसमें हम अगर कैलकुलेट करें, देखिए कैसा कैलकुलेट करेंगे, ये कंपाउंड जो है साइक्लिक है, कंपाउंड जो है प्लेनर है, क्योंकि यहाँ पर लोन जो है ये sp2 हाइब्रिड है, क्योंकि इसके लोन पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड होके प्लेन में ही हो जाएगा रिंग के, तो साइक्लिक प्लेनर और कंजुगेटेड। इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 × 2 यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक पाई इलेक्ट्रॉन आपको सॉरी और दो पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा, यानी कि यहाँ जो नाइट्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन हकल इलेक्ट्रॉन के रूप में कैलकुलेट किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज है, और सारे के सारे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को हम हकल इलेक्ट्रॉन के रूप में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस हकल इलेक्ट्रॉन को मिलाने पर हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स में कितने होंगे, 4 × 2 + 1, और इसके दो इलेक्ट्रॉन सॉरी 4 × 2 + 2 इस रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है, इसका आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर लीजिए 4 पाई के इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है यानी कि प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसलिए ये भी 4n प्लस 2 को फॉलो करेगा, तो ये भी कंपाउंड है एरोमेटिक है, यानी कि ये तीनों कंपाउंड एरोमेटिक के एग्जांपल है, ठीक है। अगले स्लाइड में कुछ अप्रोच को देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक ही डायग्राम के अंदर कि कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, कौन सा जो है एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे हालांकि एंटी एरोमेटिक का एक ही एग्जाम्पल अभी तक नहीं आया है, अगले वाले पेज में हम इसको देख लेंगे कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं कौन कौन से और कैसे वो होंगे, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट को देख लेते हैं कि कैसे जो है कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई करेंगे तीन कैटेगरी में। सबसे पहले अगर कोई भी कंपाउंड बेंजोनाइड है और नॉन बेंजोनाइड मोनोसाइक्लिक है, यानी कि बेंजोनाइड कंपाउंड जो है क्या होना चाहिए, बेंजोनाइड या फिर नॉन बेंजोनाइड अगर है तो मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कंपाउंड के लिए जो है रूल लागू होता है, ये फ्लो चार्ट में लागू होगा, ठीक है, बेंजोनाइड या नॉन बेंजोनाइड मोनोसाइक्लिक। तो यहाँ पे देखते हैं अगर कोई भी कंपाउंड जो बेंजोनाइड है या मोनोसाइक्लिक है वो तीन कंडीशन को जो है पहले उसको चेक करते हैं, फर्स्ट थ्री कंडीशन मस्ट कंडीशन जो है उनको पहले फॉलो करते हैं, चेक करते हैं, यानी कि वो साइक्लिक है कि नहीं, वो प्लेनर है कि नहीं, और वो कंजुगेटेड है कि नहीं, इन तीन कंडीशन को पहले चेक करेंगे। अगर इनमें से एक भी कंडीशन जो है फॉलो नहीं हो रहा है, इधर की ओर देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ इफ एनी ऑफ दिस इज नॉट फॉलोड, एनी ऑफ मतलब इन तीनों में से कोई भी एक जो है अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो कंपाउंड सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। कंडीशन बस क्या है कि इन तीनों कंडीशन में से अगर किसी भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक माना जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे
इन तीनों कंडीशन को कोई कंपाउंड जो फॉलो कर रहा है, यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए जो कि साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, तो वहां पे हम जो है इस तीनों कंडीशन अगर कोई फॉलो करता है तो हम फिर आगे हम देखते हैं कि उसमें वो दो दो टाइप से जो है वो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो वो एरोमेटिक होगा या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कैसे ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं, ठीक। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड जो है तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इफ ऑल द अबव कंडीशंस आर फॉलो, तो वो एरोमेटिक तब होगा जब उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम एरोमेटिक मानेंगे। अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना होके 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन की अगर प्रेजेंट है तो उसको हम एंटी एरोमेटिक कह देंगे, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कौन कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कि एन इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी लेते हैं, इंटीजर कोई भी ले सकते हैं, तो जीरो अगर लेते हैं तो एन इज इक्वल टू, अगर जीरो हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एन इज इक्वल टू अगर 1 कर देते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एन इज इक्वल टू अगर 2 कर देते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एन इज इक्वल टू अगर 3 कर देते हैं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो एक सीरीज यहाँ पे बन जाएगा कि कोई कंपाउंड अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन्स या 14 इलेक्ट्रॉन्स या 18 इलेक्ट्रॉन्स रखता है इलेक्ट्रॉन्स और इन तीनों रूल को फॉलो करता है तो वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा ही होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड 4n इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी कि 4 के मल्टीपल में अगर इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा, बशर्ते कि वो इस तीन कंडीशन को फॉलो करते रहना चाहिए, ठीक है। कैसे देखिए 4n इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लैनर है, कॉन्जुगेटेड है, तो वहां पे अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि अगर एन इज इक्वल टू मैं 1 कर दूँ, 4n रूल में अगर एन इज इक्वल टू 1 कर दूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो भी एंटी एरोमेटिक होगा। अगर एन इज इक्वल टू 2 रख दो तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी एंटी एरोमेटिक होगा वो। अगर एन इज इक्वल टू 3 कर दूँ इस जगह पे तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन रखने वाला कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक होगा। और अगर 4 कर दूं एन इज इक्वल टू, तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन रखने वाला कंपाउंड भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से इस डायग्राम को समझते हैं। जैसे एक मैं ले ले रहा हूँ साइक्लोहेक्साडाइन, जैसे हम ऊपर में एक स्ट्रक्चर को देख चुके हैं साइक्लोहेक्साडाइन, इसमें आप देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, एक बार के लिए रिंग के कार्बन को प्लैनर कह भी देते हैं, पर ये है नहीं, ये तो नॉन प्लैनर है, तो नॉन प्लैनर अगर मिल जाए तो एरोमेटिक हो जाएगा, ये प्लैनरिटी को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ऊपर से कॉन्जुगेशन में भी नहीं है, यहाँ पर दो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि साइक्लोहेक्साडाइन जो है, साइक्लोहेक्साडाइन ये ना तो कंप्लीट कंजुगेशन को फॉलो कर रहा है ना ही ये प्लैनरिटी को फॉलो कर रहा है, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं कर रहा, कोई एक कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो नॉन एरोमेटिक होगा, एक से अधिक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो तो नॉन एरोमेटिक होगा ही होगा, ठीक है। इस तरीके से अगला हम देखते हैं, कोई एक कंपाउंड जो कि एंटी एरोमेटिक हो, एरोमेटिक तो वैसे भी देख चुके हैं, जैसे कि ये देख लीजिए साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन को आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो साइक्लिक है, दिख रहा है सीधा सीधा, ठीक है। दूसरा ये कंपाउंड सभी के सभी कार्बन जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सीधी सी बात है ये प्लेनर भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, अल्टरनेट सिंगल बोन डबल बोन है, आप देखेंगे यहाँ पे डबल बोन, इधर सिंगल बोन, इधर डबल बोन, इधर सिंगल बोन, अल्टरनेट सिंगल बोन डबल बोन है, तो ये कंप्लीट कंजुगेशन भी होगा, ठीक है। तो कंप्लीटली यहाँ पे कॉन्जुगेटेड भी है, तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, पर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन सीधी से बात है, कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे एक डबल बोन इधर, एक डबल बोन इधर,
यानी कि दो डबल बॉन्ड है तो फोर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, और फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स किसमें आता है, फोर एन में आएगा। कैसे आएगा, अगर एन इज इक्वल टू में वन टू आएगा, ये फोर एन रूल को कर रहा है, क्या आएगा एंटीएटमिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमको आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड जो है कौन सा एरोमेटिक हुआ, कौन सा नॉन एरोमेटिक हुआ, कौन सा एंटी एरोमेटिक हुआ। ठीक है, आगे और एग्जांपल है इसमें समझ में आ जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शन भी हैं जो कि अलग से यहाँ पे अकाउंट किए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल ऑफ एरोमेटिसिटी कि कहाँ पे एरोमेटिसिटी फॉलो होगा, कहाँ पे जो है एरोमेटिसिटी फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले टेन एनुलिन को देखते हैं। टेन एनुलिन यानी कि एक लार्ज साइक्लिक कंपाउंड जिसमें टेन कार्बन रिंग है, टेन कार्बन प्रेजेंट है, उसको हम टेन एनुलिन में ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेन एनुलिन में आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये दो फॉर्म में पाया जा सकता है, एक तो 1,5 ट्रांस में हो सकता है या फिर सिस में हो सकता है। 1,5 ट्रांस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वन पोजिशन और 5 पोजीशन, इस दोनों के जो हाइड्रोजन है वो दोनों जगह पे जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांस डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम 1,5 ट्रांस कह दे रहे हैं। 1,5 ट्रांस एल्यूमिनियम को आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे ये जो अंदर में हाइड्रोजन है रिंग के अंदर में, ये दोनों हाइड्रोजन दरअसल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और इस वजह से इनमें है रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस रिपल्सन की वजह से ये 1,5 ट्रांस एनुलिन जो होता है, ट्रांस 10 एनुलिन जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि ट्रांस एनुलर क्राउडिंग इन ट्रांस आइसोमर, अनस्टेबल क्यों है ये, हाँ ये देखिए ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, कंप्लीट कंजुगेशन है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो भी कर रहा है। यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 4n+2 हकर रूल को फॉलो भी कर रहा है, पर उसके बावजूद भी ये कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक माना जाता है। कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और ये एक्सेप्शन में होता है। ठीक है, कि यहाँ पे ट्रांस एनुलर क्राउडिंग पाया जाता है 1 और 5 पोजिशन पे, तो इस जगह पे जो है क्राउडिंग बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। दूसरा अगर सिस को देखते हैं तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम दूसरा लिखा हुआ, ये इसके लिए है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है। ठीक है, एंगल स्ट्रेन क्यों बढ़ेगा, थोड़ा सा देखेंगे स्ट्रक्चर को, कि यहाँ पे अगर हर एक कार्बन जो है इस रिंग में सभी कार्बन जो है डबल बॉन्डेड हैं, तो सीधी सी बात है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। S2 के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए, पर यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 144 डिग्री है, तो सीधी सी बात है स्टैंडर्ड हम कह रहे हैं बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, पर है कितना, 144, तो एंगल जो है वो बढ़ा हुआ है, उसके स्टैंडर्ड एंगल से वो बढ़ गया है, तो यहाँ पे एक एंगल स्ट्रेन पाया जाएगा, इस वजह से मॉलिक्यूल जो है एक स्ट्रेन में पाएगा और इसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, हो जाएगा, इस वजह से ये कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक है। इसमें अगर मॉडिफिकेशन कर दे तो ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो सकते हैं। मॉडिफिकेशन में देखिए सबसे पहला क्या है, अगर इसको हम साइक्लाइजेशन करा दें, ठीक है, साइक्लाइजेशन मतलब यहाँ पे दो जो हाइड्रोजन है उस दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और यहाँ पे एक रिंग ऐसा बिठा दिया जाए, तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गया उसका, उस कंडीशन पे ये नेफ्थलीन बदल जाएगा और ये एक एरोमेटिक। दूसरा हम ब्रिजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रिजिंग कर दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे उन दोनों हाइड्रोजन को हटा दिए और उस हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ पे हम क्या लिया, एक मेथिलीन ग्रुप को इंसर्ट करा दिए, इंसर्शन करा दिए, ये मेथिलीन ग्रुप है, ये जो दिख रहा है ये आपका मेथिलीन ग्रुप है। ठीक है, तो मेथिलीन ब्रिज यहाँ पे लगा के भी इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप जो है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, किसी टाइप का
एंगल स्ट्रेंड नहीं पाया जाएगा, जिस वजह से ये कंपाउंड साइक्लिक टेनर कंजुगेशन और हकल रूल को फॉलो करता है, कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसी टाइप से एक देखेंगे, एक ब्रिजिंग किए गए हैं लार्ज साइक्लिक मॉलिक्यूल पॉलीसाइक्लिक एनिलीन में, एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं 14 एनिलीन को। ठीक, 14 एनिलीन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कितने यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, टू डबल बॉन्ड, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स और ये सेवन, सेवन डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि 14 कार्बन यहाँ पे जो है वो रेजोनेंस में है और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम इसको 14 एलुलिन कह रहे हैं। 14 एलुलिन में यहाँ पे डबल बॉन्ड सारे के दूसरे के साथ कंजुगेशन में है। अच्छा, यहाँ पे एक ये चीज भी है, अंदर में अगर देखेंगे तो sp कार्बन मौजूद है। देखेंगे यहाँ पे दो बॉन्ड हैं जो कि sp कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, दो कार्बन ऐसे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, पर उसके बावजूद भी ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, 14 एनोलिन एरोमेटिक है। कारण यह है कि यहाँ पे जो भी डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है, उसके कंजुगेशन को ये कार्बन, अंदर वाले कार्बन किसी भी टाइप से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ये कहें कि ये सात डबल बॉन्ड जो है, सेवन डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, तो उस रेजोनेंस में इनका कोई भी जो है डिस्टर्बशन नहीं है, किसी भी टाइप से उसको जो है इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, इस टाइप से ये जो है साइक्लिक रूप से मूव हो जाएंगे आगे आगे। ठीक है, तो में किसी भी टाइप का कोई जो है परेशानी नहीं है, ये रिंग जो है अनइफेक्टेड रह जाएगा, वो उसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा रेजोनेंस में। ठीक है, कोई उसको ब्लॉक भी नहीं करेगा रेजोनेंस को, तो इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, रिंग के पेरीफेरी में, पेरीफेरी ऑफ द रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो आपस में जो है कंजुगेटेड है कि नहीं है, तो ये सारे के सारे कंजुगेटेड हैं, रेजोनेंस करेंगे, तो ये कंपाउंड जो एरोमेटिक हो गई होगा। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड तो है ही है, क्लिक है, प्लैनर है, प्लैनर मतलब इस नाम से प्लैनर है, जितना भी यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है वो आपस में एक ही प्लेन में है, बाकी को आप इग्नोर करते हैं क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर भी नहीं रहे हैं, उसमें कंजुगेशन हो भी नहीं रहा है, इसलिए उसको एनालाइज कर देंगे। साइक्लिक है, प्लैनर है, कॉन्जुगेटेड है और 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे आएंगे, 4 × 3 कर देंगे, +2 कर देंगे, यानी कि n = 3 कर दिया, तो क्या होगा 4 × 3 + 2, यानी कि हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन जो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा, यानी कि ये दोनों कंपाउंड जो है, तीनों कंपाउंड जो है एरोमेटिक होंगे। आगे एक कंपाउंड देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड ये है, जिसको हम साइक्लोहेक्साट्राइन कॉट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सा बोल दिया था मैं, ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जिसको हम कह देते हैं शॉर्ट में इसको कॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये कंपाउंड जो है साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो कंप्लीटली ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी दिख रहा है और 4n इलेक्ट्रॉन को रख रहा है, 4n इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, अगर मैं 2 रख दूं तो 4n इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रख लाया है, तो इसको एंटीरोमेटिक होना चाहिए, एक हिसाब से आप एक बार फिर से वापस देख लेंगे कि एंटीरोमेटिक का कंडीशन क्या था, कि वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेटेड होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n 4 के मल्टीपल में होनी चाहिए, तो वो एंटीरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एंटीरोमेटिक होना चाहिए पर नहीं होता है। ठीक है, ये एंटीरोमेटिक नहीं होता है, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे कारण ये है कि ये जो है टब शेप में पाया जाता है, नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और अगर नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर में पाया जाता है तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा।
थ्री कंडीशन के दूसरे कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, प्लेनरिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर, ठीक है। इस वजह से ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, पर हमको ऐसा लगता है कि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, ऐसा लगता है पर है नहीं, ठीक है, तो समझ जाएंगे इस जगह पे। अगला एक कंपाउंड हम देखते हैं, नॉन बेंजेनाइड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, नॉन बेंजेनाइड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ये, ठीक है, यानी कि इस बाईसाइक्लिक रिंग में कोई सा भी रिंग जो है बेंजीन या बेंजीन के टाइप का रिंग नहीं है, ठीक है। इसको आप देखेंगे ध्यान से तो फाइव रिंग है, इधर भी एक फाइव मेंबर रिंग है, यानी कि दो फाइव मेंबर रिंग को यहाँ पे चूज कर दिया है, तो ये एक नॉन बेंजोनाइड बायसाइक्लिक रिंग में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको हम कहते हैं पेंटालिन, दो फाइव मेंबर रिंग जब फ्यूज होते हैं जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको हम कह रहे हैं पेंटालिन, ठीक है। तो पेंटालिन स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे दिख रहा होगा ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कैलकुलेट करेंगे तो चूंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, एड पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इस हिसाब से इसको आप कहेंगे एंटी एरोमेटिक, ठीक है। पर ये भी एक टाइप का ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, एंटी एरोमेटिक नहीं है बल्कि नॉन एरोमेटिक, ये क्या होता है नॉन एरोमेटिक, क्यों इसको हम बताते हैं। देखिए ये कंपाउंड एक नॉन बेंजेनाइड बायसाइक्लिक रिंग है, इसलिए इसको हम हकल रूल से सॉल्व नहीं कर सकते, और इस कंपाउंड को एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्रेग्स रूल को अप्लाई करना है। कौन सा रूल? क्रेग्स रूल को अप्लाई करना रहता है, ठीक। और क्रेग्स रूल को अप्लाई कैसे करते हैं इसको मैं बताऊं, ये हालांकि ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, पर क्रेग्स रूल को अप्लाई करने का मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले इसको आप जो है इसमें आप C2 सिमेट्री देखें कि एक्सिस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, यानी कि ऐसा एक्सिस जिस एक्सिस से हम इसको पलट दें 180 डिग्री पे, तो इसको हम पलट सकते हैं सकते हैं। सबसे पहले क्रैक्स रूल लेकिन कंपाउंड में जो है लगाया जाए नहीं, अगर C2 लगाया जाए तो हम पाइप करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ पाई, ध्यान रहे यहाँ पे हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे जो कि कितने हैं 4। हमने क्या करते हैं थर्ड पॉइंट में जो मिल रहे हैं उसमें एक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड माइनस वन है कि क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर की संख्या हम यहाँ पे देखें तो 4 है, तो 4 में माइनस वन कर देते हैं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये 3 एक कैसा नंबर है ऑड नंबर है विषम संख्या है। तो यहाँ पे एक रूल है कि अगर पाई बॉन्ड में एक माइनस करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त होती है वो अगर ऑड होता है तो कंपाउंड को हम नॉन मानते हैं, ध्यान रखेंगे एंटी एरोमेटिक नहीं आएगा नॉन एरोमेटिक मानते हैं, और अगर पाई बॉन्ड में एक माइनस करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो अगर इवन में आता है सम संख्या आता है तो उसको हम कह देते हैं एरोमेटिक कह देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसमें उसकी संख्या 4 है, 4 में माइनस वन कर देंगे तो 3 आ रहा है, और कैसा है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। क्रैक्स रूल का मैं 3 पॉइंट में कौन कौन सा, सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें C2 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, C2 एक्सिस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें हम पाई को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि पाई बॉन्ड माइनस और
सॉरी आया तो नॉन एरोमेटिक ये हो जाएगा एरोमेटिक क्यों यहाँ पेनालिंग को देख चुके एजिलिंग होते हैं हैंडलिंग करते हैं तो यहाँ से जो है एक सी टू एक्सिस लगा सकते हैं सीधा इस तरीके से जो है सी टू एक्सिस आप लगा सकते हैं आवाज नहीं आ रही अनम्यूट करो नवीन आवाज नहीं आ रही कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए सॉरी। अब हम देखते हैं एजुलिन एजुलिन के बारे में। एजुलिन में हम एक सीटू आ सकते हैं सीटू सिमेट्री अगर प्रेजेंट है उससे हम पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। पाई बॉन्ड के संख्या यहाँ पे आप करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये बड़े रिंग में बिग रिंग 3 पाई बॉन्ड है और स्मॉल रिंग में 2 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे टोटल जो है 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड में हमको क्या करना है एक माइनस करना है। 5 पाई बॉन्ड में हम एक माइनस कर दिए तो जो हमको वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू है 4 और 4 एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो सीधी सी बात है ये कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है इसी तरीके से हम हेप्टेलिन को देखते हैं तो हेप्टेलिन में क्या करना है हमको एक ऐसा हम एक सीधा सीधा सी टू एक्सिस लगा सकते हैं। ये सभी में नहीं लग सकता ना इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे जैसे ये आप ऊपर और नीचे दोनों सेम दिख रहे हैं जैसे हमको आइडेंटिफाई करना है कि अगर ऐसा एक्सिस ऊपर और नीचे का जो स्केलेटन वो सेम होने चाहिए तो वहाँ पे सी टू लगे ही लगेगा इसमें सी टू प्रेजेंट है। उसके बाद पाई बॉन्ड की संख्या कैलकुलेट करते हैं तो इसमें दोनों रिंग में 3 3 पाई बॉन्ड 6 पाई बॉन्ड है 3 + 3 6 पाई बॉन्ड और 6 पाई बॉन्ड में हमको 1 माइनस करना है तो 1 माइनस करके तो कितना आ जाएगा ये 5। ठीक है इस टाइप से टोटल क्या 6 6 में 1 माइनस कर दिए तो 5 5 ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो ये कैसा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक होगा। ध्यान रखेंगे कि क्रैग्स रूल में कभी भी एंटी एरोमेटिक कोई कंपाउंड आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता है। इसमें या तो कंपाउंड जो है एरोमेटिक हो सकता है या तो कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक आइडेंटिफाई किया जा सकता है ये क्रैग्स रूल था। तो ये कंपाउंड को हम देख चुके हैं। अगला एग्जांपल कुछ एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे रखे गए हैं इसमें कुछ कंपाउंड देख सकते हैं और कुछ कंपाउंड को आप जो खुद एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक हुआ कौन सा नॉन एरोमेटिक हुआ। इसमें पहले पहले कंपाउंड को देख लेते हैं कि यहाँ पे ये कंपाउंड अगर देखा जाए तो 3-membered साइक्लिक रिंग है जिसमें एक डबल बॉन्ड है और एक कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज है ये अच्छे से दिख नहीं रहा है पर वो एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है यानी कि ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है जिसमें एक कार्बोकैटायन एक कार्बन पर प्रेजेंट है। ठीक है तो इसको हम एक बार के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी आपके आपको जो है पता चल जाएगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है तो दिख ही रहा है तो पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा यहाँ पे सभी के सभी कार्बन हैं एक ही प्लेन में है क्योंकि एक
है और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसलिए यहाँ पे इस रिंग में सभी सभी कार्बन हैं sp2 हाइब्रिडाइज हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइज हैं तो ये कंपाउंड प्लेनर होगा और सेकंड कंडीशन को भी फॉलो करेगा। थर्ड कंडीशन है कंप्लीट कंजुगेशन, तो यहाँ पे कंजुगेशन भी कंप्लीट है क्योंकि कार्बोकेटायन भी डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करेगा, तो ये दोनों ओर से कंजुगेशन कर सकता है, ऊपर से भी कंजुगेशन कर सकता है और नीचे से भी कंजुगेशन कर सकता है, तो दोनों तरफ से कंजुगेशन करेगा, इसलिए कंप्लीट कंजुगेशन में आएगा। अब हम पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, तो इस डबल बॉन्ड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज मतलब एक ही है, वो यहाँ पे एक भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0, ये कार्बोकेटायन के लिए जो है 0 पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड के लिए जो है हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं 4n+2 रूल को फॉलो करेगा, सॉरी ये 4n+2 रूल को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा कि अगर हम n की वैल्यू को 0 रख दें, हम तो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो n की प्लस 2 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट हमारा ये कंपाउंड है ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड देखिए, यहाँ पे साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन रखा गया है, इसको हम कह रहे हैं साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन, जिसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, पहले कंपाउंड को हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, ठीक है, दूसरे कंपाउंड को ऐसा दिखा सकते हैं, ये तीसरा कंपाउंड है इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे साइक्लोटाडाइन है एनएन जो रखा गया है सेकंड में, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर कंपाउंड है और थोड़ा दिख नहीं रहा, पर नेगेटिव चार्ज यहाँ मान के चलेंगे कि नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड इस प्रकार sp2 हाइब्रिड है, तो ऊपर के तीनों कंडीशन फॉलो होंगे, यानी कि और कंजुगेटेड। उसके बाद हम चौथा कंडीशन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है कि इस पाई इलेक्ट्रॉन को हमको दो तो इलेक्ट्रॉन बनना ही है, इस पाई बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव चार्ज होगा उस आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेगेटिव चार्ज मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आप मान के चलेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम के ऊपर, कार्बन के ऊपर, तो उसका आप एम्प्टी पाई इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है, 0 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एक नेगेटिव चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जो कि 4n+2 रूल को फॉलो करता है, अगर n इज इक्वल टू हम 1 कर देते हैं तो। इस प्रकार से ये जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा, कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप एनालाइज करके देख लेना कि यहाँ पे ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा होगा। इस तरह और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ हूँ, एग्जाम्पल में आप हैं देख सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक हुआ, कौन सा नहीं है, कुछ यहाँ जो कंपाउंड के हैं थोड़े से मिस्टेक है उठाया है, क्योंकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं, तो इस टाइप से डायग्राम जो हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट इमेज को उठाए, तो इस इमेज में कुछ इस कंपाउंड को मिस्टेक किया गया है, थोड़ा सा देख लेंगे, ये कंपाउंड नहीं है ये भी है, पर इस कंपाउंड में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो डबल बॉन्ड है इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है, और इसको इन तीनों जो राउंड किया हूँ उस तीनों कंपाउंड का ओरिजिनल स्ट्रक्चर आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल को यहाँ पे लिया गया है। दरअसल नेफ्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्राइसिन एरोमेटिक कंपाउंड है, ओवलिन एरोमेटिक कंपाउंड है, कोरोनिन एरोमेटिक कंपाउंड है, और पायरिन ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर का इन तीनों का नेट में थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी इन कंपाउंड भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसी हकल रूल को फॉलो करते हुए, एरोमेटिक जो कंडीशन बताया मैं उसको फॉलो करते हुए इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक क्या होगा करके, या एरोमेटिक हो सकता है
ये आपका एरोमेटिक होगा, बस यहाँ पे ये जो है जो कीटो फॉर्म है उसको इनोल फॉर्म में करना पड़ेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नीचे यहाँ भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन जब टॉटोमराइजेशन करेंगे इस डबल बॉन्ड के साथ, कीटो ग्रुप के साथ, तो ये इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंपाउंड जो है फुल्ली एरोमेटिक होगा। इस कंडीशन में ये केवल पार्सली एरोमेटिक है, यानी कि एक रिंग ये जो है एरोमेटिक है, ये रिंग नॉन एरोमेटिक में है अभी। पर जब ये आप टॉटोमराइजेशन इसमें करेंगे तो ये कंपाउंड जो है फुल्ली एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से नेपथेलिन एरोमेटिक है, एंथ्रासीन एरोमेटिक है, फिनेथ्रिन एरोमेटिक, फिनेथ्रिन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके के कंपाउंड यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे मैं साइक्लोबीटा डाइन बताया था, उसी टाइप से यहाँ पे कुछ कंपाउंड हैं दिखाए हैं। थोड़ा सा इसको कुछ समय लेके इसको देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंपाउंड ये शुरू वाला यह बताया गया है कि एक साइकिल बताया है, फोर मेंबर साइक्लिक रिंग बनाया गया है और उसके अंदर प्लस टू किया गया है। इसका मतलब ये है कि एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक प्लस चार्ज यहाँ पे है, एक प्लस चार्ज है यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसा दिखा रहे हैं तो सीधी सी बात है ये जो है पॉजिटिव चार्ज दोनों जो है वो घूमेंगे, कार्बन के टाइम जो बने हुए हैं वो पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे डिलोकलाइज हो सकते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड अगर इधर की ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर की ओर अगर शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर की ओर मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये सारे के सारे कंडीशन को, ऊपर वाले कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे टू है। और हम इसको देख चुके हैं कि कोई कंपाउंड अगर टू पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तो फोर एन प्लस टू रूल को फॉलो करता है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। प्लस टू रूल फॉलो कैसे करेगा, जब एन इज इक्वल टू हम जीरो रखेंगे तो। ठीक, एन इज इक्वल टू अगर जीरो रख दिए तो ये भी फोर एन प्लस टू रूल को फॉलो करेगा, हकल रूल को फॉलो करेगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे कंपाउंड जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो जो कुछ बचे कंपाउंड हैं उसको आप जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं इसकी मैम को रिफर कर रहा हूँ। धन्यवाद नवीन सर, आपका प्रेजेंटेशन एरोमेटिसिटी पर देखकर हमारे विद्यार्थियों को बहुत मदद मिलेगी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग जी।